हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला लेक्चर। लास्ट क्लास हमारी थोड़ी छोटी थी लेकिन आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ पढ़ लिया था, गॉस लॉ हम लोगों ने खत्म कर लिया था। गॉस लॉ क्या होता है मैंने बता दिया था। गॉस लॉ क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि किसी भी बॉडी से अगर किसी भी चार्ज के हमें फ्लक्स निकालना है तो पहले उसके बाहर क्या क्या इमेजिन करना पड़ेगा। एक गॉसियन सर्फेस अगर हम एज्यूम कर ले तो उस गॉसियन सर्फेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना, फाइ इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज का जो हमारा काम है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तीन डेरिवेशन कराऊंगा, तीनों से सवाल आता है एग्जाम में, बराबर है ना, ठीक है ना, विद ग्राफ समझेंगे और बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आज का हमारा काम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो क्या होता है भाई, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर होगा क्या, देखो सबसे पहली चीज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग जगह से। देखो स्टार्टिंग में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रखी है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर तुम्हें याद हो तो शुरुआत में भाई ध्यान देने का शुरुआत में आपने एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रखी है वो क्या निकाल रखी है आपने, E इज इक्वल टू में KQ बाय R स्क्वायर, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रखी है। अब मैं कह रहा हूं, मैं गॉस लॉ से इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ बाय R स्क्वायर होती है। ठीक है, ठीक है मास्टर, प्रूफ करके दिखाओगे? हाँ दिखाऊंगा, मैं दिखाएगा और इसके बाद तुम्हें पता लगेगा गॉस कितना तगड़ा साइंटिस्ट था, है ना। गॉस सच में तगड़ा साइंटिस्ट था। गॉस अगर तुम्हारा पड़ोसी होता तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी कराए थे गॉस से, इतना तगड़ा साइंटिस्ट था गॉस, है ना। देखो पहला अगर मैं गॉस की बात करूं तो गॉस ने, हम क्या करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है लेट सपोज क्यू, इस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से हम, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है भाई, ठीक है, इस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोगों क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी, सबसे पहले हम इसके बाहर, अगर हमें गॉस लॉ लगाना है, इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा और एक गॉसियन सरफेस जो हम इमेजिन करेंगे वो हम स्फेरिकल इमेजिन करेंगे। क्या इमेजिन करेंगे, स्फेरिकल। तो मैंने क्या करा, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, है ना। मैं गॉसियन सरफेस कैसा भी ले सकता था, मैंने एक स्फेयर बनाया, क्या बनाया, एक स्फेयर, एक क्यू चार्ज रखा हुआ, बराबर है। जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, जो स्फेयर बनाया, उसका रेडियस मैंने लिया आर, रेडियस क्या लिया मैंने, आर। ठीक है, तो अगर मैं कंसीडर की बात करूं, अच्छा मुझे निकालना क्या है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर डिस्टेंस पे। ओके, इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो कंसीडर अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस आर। ठीक है ना, हमने कंसीडर कर दिया आर रेडियस, सेंटर में क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, हमें इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है गॉस लॉ की मदद से। सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है भाई, गॉस लॉ सबसे पता है, गॉस लॉ क्या कहता है, फाइ इज इक्वल टू में, शाबाश, फाई नेट इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही कहता है गॉस लॉ, फाई इनसाइड अपॉन में फाई
नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और गॉस लॉ। एक और चीज हमें पता है, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, बहुत कुछ जानते हैं मास्टर हम लोग, बहुत कुछ। देखो इसी बहुत कुछ के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत कुछ मत जानो सिर्फ पढ़ाई जानो, है ना। तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, फाई नेट इज इक्वल टू में फाई नेट किसके बराबर भी होता है। गॉस लॉ से पहले हम फ्लक्स कैसे निकालते थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन यहां स्फेरिकल आएगा, ये स्फेरिकल क्या, ये गोला क्या बता रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्लोज सरफेस, क्या क्लोज सरफेस यहां पे क्या जाएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ठीक है। सेकेंड तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये है, फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये है, फ्रॉम वन एंड टू क्या मैं ये लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू में क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, अब सबको पता है ये बात तो, हाँ है ना, अरे ये बात तो सबको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं क्यू इनसाइड कितना, चलो वो तो सब कुछ छोड़ो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देख मेरे भाई मेरी बात को समझ। डी ए यहां पे एरिया वेक्टर है बेटे, डीए क्या है, डीए यहां पे एरिया वेक्टर है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जोश में बैठने का है ना, एकदम ऐसे ना मरी हुई लाश की तरह पड़ा रहेगा, तो वैसे भी तेरा दिमाग कहीं और जा रहा है ना, कि मैं वहां वो वहां क्या हसीन पल, बेटा वो आएंगे, एक साल और मेहनत कर, डेढ़ साल और मेहनत कर, वो हसीन पल भी आएंगे, है ना, रिलैक्स कर। देख ई डी ए है ना, कॉलेज के चार साल मिलेंगे, तीन साल मिलेंगे, उसमें आराम से एक डेढ़ साल यही करने का, हसीन पल निकालने का, जिंदगी जीने का, उसके डेढ़ दो साल बाद मेहनत करने का, है ना। दोबारा देखो ई डी ए कॉस थीटा, अब इस क्यू चार्ज की वजह से, क्योंकि मैंने ये क्यू चार्ज प्लस लिया है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर को किसी भी बिंदु पे, मान लो मैं इस बिंदु पे बात कर रहा हूं, इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर को होगी, है ना। और इसी बिंदु पे अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बोलूं, तो बेटा स्फेरिकल के लिए एरिया वेक्टर सेंटर से बाहर निकलता है, सेंटर से बाहर निकलता है, तो इसी बिंदु के लिए एरिया वेक्टर भी यही आएगा, तो एक क्या जाएगा डीए, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही और एरिया वेक्टर भी डीए भी उधर ही है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 0 डिग्री का, तो ये क्या जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, अंदर कितना चार्ज है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो अब ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, अच्छा अरे मूर्खो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है, अरे बेवकूफो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी तो निकालनी है, ठीक है। तो ई कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होता है 1, तो क्या जाएगा ई बाहर आया, इंटीग्रेशन डीए बचेगा, फंक्शन डीए का है इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन डीए क्या हो जाएगा, ए है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है एक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए। अब डीए का इंटीग्रेशन अगर ए होगा तो ई इंटू में ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई इंटू में एरिया कितना हो जाएगा स्फीयर का, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², शाबाश, सरफेस एरिया नॉट वॉल्यूम होता है निकम्मे, वो 4π3πr³ वॉल्यूम होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 4πr² तो ये क्या आ गया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E क्या आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4π, ये 4π एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख रहा हूं है ना, 1/4 में 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में q अपॉन में ये r स्क्वायर को इसके नीचे भेज रहा हूं r स्क्वायर, अरे चौथी फेल झाल, इसको नीचे भेजा एप्सिलॉन नॉट को इधर खींच लिया r स्क्वायर को इधर कर दिया यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्या आ जाएगा k q / r स्क्वायर, यानी कि
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ अ गॉसियन सरफेस कितना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये गॉस ने अपने आप से प्रूफ करके दिखाया, लेकिन ये बात तो हम पहले से जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। अरे हाँ, तो ये बात हमें पहले से पता थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आती है, ठीक है ना। तो अब यहां पे ना एक चीज पूछेगा तुमसे, वो नोट ग्राफ रहेगा, वो ग्राफ फॉर ई वर्सेस आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में क्या ग्राफ आएगा। तो हम सभी को साफ साफ दिख रहा है ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाने का जगह नहीं है, कहां बनाऊं, दीवारें बनाऊं। तो मास्टर कहना चाह रहा है, चल रहा है भाई, अब चार्ज करूंगा इसको यार, बड़े दिन हो जाते, हफ्ता भर हो जाता है ना। देखो ऐसे दो है ये, तो एक ऐसे है और एक इसके बगल में है, तो एक फर्स्ट फिर सेकंड, फिर यहाँ पे आता है वो फोन पे लगाने का होल्डर। तो मैंने MWF फिक्स कर रखा है, मंडे को स्टार्टिंग, फिर वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आज क्या है थर्सडे। तो आज इस वाले का नंबर है, सेकंड वाले का, है ना, ये दो हैं साले। तो ये ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर और ई के बीच का ग्राफ क्या जाएगा बेटा, इधर ई हो गया, इधर आर हो गया, दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ चौथी फेर ऐसे जाता है ऐसे। हाय हाय राम, ऐसे बराबर है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हो गया, क्लियर है। तो आपसे कह दे पॉइंट चार्ज के लिए ई और आर का ग्राफ बनाओ, तो ये रहा हमारे पास, ये रहा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये डेरिवेशन है, पूछ लेता है, गॉस लॉ से प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है ना। अगली सेकंड एप्लीकेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है ना, नोट कर लो फटाफट से। तो बेटे सेकंड जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। सेकंड जो हमारे पास एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर, है ना, यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक वायर है जो कि बहुत लंबी, वायर ना बोलिए, कभी कभी वो रॉड बोल देता है, वायर ना बोल बोल के कभी कभी वो क्या बोलता है, लॉन्ग रॉड बोलता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक लंबी सी वायर है, रॉड है, ये रही, यहां बना दूं, ठीक है, ठीक है, ये इन लॉन्ग है, काफी लॉन्ग है, एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या है, ये चार्ज है, कैसी है चार्ज है, सीधी नहीं बन रही यार मेरे से, ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, मान लो प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। माइनस भी हो सकता है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, और माइनस भी हो सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, इस पे चार्ज है रॉड पे, रॉड वायर जो मर्जी बोलना है, वायर बोल रॉड बोल, बात एक ही है, है ना, ठीक है। तो इस पे प्लस का चार्ज है, सबसे पहले हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने किसी आर डिस्टेंस पे, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गॉस लॉ से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अब तक तो तेरे घटिया दिमाग में बात आ गई होगी कि अगर गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, वो भी क्लोज, वो भी 3D, और वो भी सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि सिमेट्रिक में आंसर निकालना आसान होता है, बना अनसिमेट्रिकल भी सकते हैं, मैंने कल लिखवाया था, पर सिमेट्रिक बनाएंगे। कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है अपने पास, तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो मान ले इस पे क्या, इस पे अब तू सर्कल तो नहीं बना सकता, एक स्फीयर तो नहीं बना सकता, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो नहीं बना सकता, तो तू यहां पे क्या बनाता है, यहां बनाया जाएगा एक सिलेंडर, क्या बनाया जाएगा, सिलेंडर। तो हम यहां पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, है ना, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम ऐसा,
बराबर है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया हमने, ठीक है ये रहा। इस सिलेंड्रिकल की लेंथ में मान के चल रहा हूं, इस सिलेंडर की लेंथ लेट सपोज मैं मान के चल रहा हूं एल, कितनी हो गई एल, यहां मान लेते हैं सिलेंडर की लेंथ हो गई एल, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो मैं मान के चल रहा हूं आर, आर इस सिलेंडर का मैं रेडियस मान के चल रहा हूं, एल इस सिलेंडर की लेंथ है, बराबर है। मैं क्यों कर रहा हूं बच्चा, मैं क्यों कर रहा हूं यार, तू गॉस को देखना कितना शानदार है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं भैंस की टांग, हाँ या ना यार। तो कुछ नहीं, बस एक गॉसियन सरफेस बनाना है बस उसके आसपास, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, और किसी भी एक अगर इसके थ्रू मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकालनी है, इसके थ्रू मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ध्यान से, अगर ये रॉड है, अगर ये रॉड है, अगर ये रॉड है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, मतलब सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना, अरे थप्पड़ मारूंगा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलेगी, बाहर को निकलेगी, बाहर को निकलेगी, इधर को निकलेगी, हाँ है ना, तो सरफेस से आउटवर्ड जाएगी, तो ये गई ऐसे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अब इसके तीन मेरे को एरिया वेक्टर दिख रहे हैं, देखो देखो देखो, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अरे भाई ध्यान दे ले, ध्यान दे ले, ध्यान दे ले, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस सिलेंडर, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है, देख जैसे कि ना मेरे पास ये गॉसियन सरफेस है, तो जब ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है तो इसके लिए तीन सरफेस हो गए, एक तो ये हो गया, ये मैंने एक सिलेंडर, अरे भाई ये रॉड थी इनफाइनाइट जो इसके अंदर चली गई है, और ये सिलेंडर मैंने एज्यूम किया है। अब तीन तरीके से एरिया वेक्टर में निकाल सकता हूं, एक तो सरफेस से बाहर, सरफेस से बाहर, सरफेस से बाहर, एक इधर साइड से एरिया वेक्टर, एक इधर का एरिया वेक्टर। अरे भाई तीन एरिया वेक्टर बनेंगे ना, एक सरफेस से बाहर, एक इधर और एक इधर, हाँ है ना, ठीक है, तीन ही तो एरिया वेक्टर बन रहे हैं। तो देखो इसके लिए एक एरिया वेक्टर आ गया, ये रहा गॉसियन सरफेस। अब इसकी वजह से एरिया वेक्टर, सरफेस की वजह से हमेशा बाहर निकलेगा, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, तो इसके लिए एरिया वेक्टर आ गया ये। तो मैंने बोला DA1 पहला एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर यार। अब इसके लिए देखो, ये जो सिलेंडर का एक छोर है, ये जो सिलेंडर का दूसरा छोर है, सरफेस के लिए तो ये सरफेस के लिए तो बाहर आ गया, चाहे इधर ले चाहे इधर ले, बात एक ही है। इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, बाहर को, इसके लिए इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, बाहर को। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर DA2 बराबर है DA2। इस साइड के लिए, इस साइड के लिए एरिया वेक्टर इधर को, तो ये क्या हो जाएगा DA3 DA3। तो अपने पास तीन एरिया वेक्टर आ गए, DA1 DA2 और अपने पास क्या आ गया DA3 आ गया, ठीक है। अपने को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, ठीक है ना। देखो अब मैं कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग बात, ठीक है, लिखना चालू लिख दो, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड रॉड हैविंग चार्ज क्यू, टोटल चार्ज इस रॉड पे मान लो क्यू है, हैविंग टोटल चार्ज क्यू। अब देखो एक और चीज जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया बेटा, एक मिनट के लिए ना, फिर पहले पहले पन्ने पे जा और देख, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब टोटल एक रॉड है उस रॉड पे चार्ज क्यू है तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताए थे, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय में एल, इसकी लेंथ कितनी है एल, और एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा बराबर है। इमेजिन अ गॉसियन सरफेस, अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस
हैविंग रेडियस आर एंड लेंथ एल, ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी है एल और रेडियस क्या है आर, ठीक है, ये हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, वही पुरानी बात है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है बेटा, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई नेट इज इक्वल टू में, इसमें इंक ना इंक डालो बेटा, गॉस लॉ कहता है फाई नेट इज इक्वल टू में, फाई नेट इज इक्वल टू में फाई नेट इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फर्स्ट। और वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं बेटा हम लोग, फाई नेट इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, देख सब में तीनों में एक ही फॉर्मूला लगाना है, दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करना है, बेसिक बात यही है ना। अभी आ जाएगा हमारे पास ये फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू कंपेयर करेगा, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ध्यान से देखियो, अब यहां पे इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी बात करूं, एक सेकेंड, हाँ कोई आया है, कुंडी कटखटा रहा है, हाँ भाई आओ, हमारी माँ थी, कुछ लेके आई दिखाने के लिए, मैं भाई ये पर्दा बंद नहीं किया, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, हमारी माँ थी कुछ खाने के लिए लेके आई थी, देखो E डॉट डी ए क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, आना तो नहीं चाहिए वैसे इसमें, अब देखो ये E डॉट डी ए आया, अब ये E डॉट डी ए, डी ए कौन सा लोगे, वन लोगे, टू लोगे, थ्री लोगे, कौन सा डी ए लोगे, है ना, तीनों लेना पड़ेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वन प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए टू प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए थ्री इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड कितना है, टोटल चार्ज मैंने क्यू बोल दिया था पहले ही, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा तीनों एरिया ऐड होंगे, तीनों एरिया, क्योंकि तीन एरिया वेक्टर थे भैया, आपने ई क्यू नहीं करा, ई वन ई टू ई थ्री क्यों नहीं करा, अबे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही निकलेगी, चार तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, चार तो हर जगह सेम ही रखा हुआ है, अरे चार सौ चार जगह सेम ही रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये ई डॉट डी ए वन ई डॉट डी ए टू, ठीक है। अब देख, अब ध्यान से, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और एरिया वेक्टर भी कहां है, इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो यहां पे थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहां पे, जीरो डिग्री, क्योंकि अबे जीरो डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ई की डायरेक्शन भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो एंगल कितना हो गया जीरो, तो कॉस की वैल्यू कितनी हो गई वन, यहां पे थीटा वन क्या हो जाएगा जीरो डिग्री, थीटा वन क्या हो जाएगा जीरो डिग्री। और अगर मैं ए टू की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऊपर ही है, अरे इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ही है और एरिया वेक्टर इधर है, तो थीटा टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास थीटा टू आएगा कितना जीरो डिग्री, वो 90 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, एरिया वेक्टर इधर है, हाँ 90 डिग्री। अगर मैं थीटा थ्री की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा थ्री भी कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहां पे हमारे पास तीन एरिया है, दो 90 के और एक जीरो का है, तो यानी ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो डिग्री, डी ए वन बोला मैंने जीरो डिग्री, प्लस ये आ गया इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी तो वैल्यू वन हो जाएगी, और लेकिन ये और ये क्या हो जाएंगे जीरो जीरो, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, अब यहां से ई को बाहर निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया मैं, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, अरे यार स्टेप बाय स्टेप कर ले यार, इंटीग्रेशन ई डी ए इंटू में वन प्लस में जीरो प्लस में जीरो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां से ई बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना।
अब डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है? डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए, तो डीए का इंटीग्रेशन ए हो के बाहर आया, लेकिन इसका एरिया क्या होगा बेटा? सिलेंड्रिकल सिलेंडर का एरिया क्या होता है? एरिया 2πRL, तो क्या हो जाएगा? E into में 2πRL is equal to Q upon epsilon, ये नीचे आएगा, या लाइन बना रहा हूं है ना यार, यहां पे कुछ और करा दूंगा, यहां पे ग्राफ बता दूंगा ना ग्राफ, तो यहां नीचे आया तो क्या आ जाएगा? E is equal to में Q upon में 2πRL into में epsilon, 2πRL into में epsilon. अब मैं ये कहना चाह रहा हूं E is equal to Q upon में 2πRL epsilon. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, अगर मैं इसको K की फॉर्म में लाना चाहूं, K की फॉर्म में, तो क्या जाएगा? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. अरे ताकि K बन जाएगा यार, K क्या होता है? 4πε0, 2 है, π है, epsilon है, क्या है? 4 ही तो नहीं है. E is equal to Q अपॉन में 2πRL epsilon naught into में, ऐसे कर रहा हूं इसको सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूं, 2πRL into में 2 अपॉन में 2, और 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, दिया जाएगा E is equal to में 1 अपॉन 4πEpsilon naught into में Q अपॉन में RL, 2Q अपॉन में RL, फिर इंक यार, 2Q अपॉन में RL, हाँ ना, 2Q अपॉन में RL हो गया. अब क्या हो जाएगा ये, तो ये इसको मैं K लिख सकता हूं. लेकिन एक और बात मैंने तेरे को पहले ही बता रखी है, ये बात मैंने कल इसीलिए बता दी थी ताकि मेरे को आज डेरिवेशन में लाना था इसको, कि Q by L क्या होता है, Q by L पता है ना, Q by L is lambda, लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q by L is lambda, कल बताया था यार, प्लीज यार ऐसे मत बोल यार. तो क्या हो जाएगा? E is equals to में K, 2 को बाहर लिख रहा हूं, 2 और ये क्या हो गया K, और Q by L क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन में क्या आ गया? R. ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके लिए? एक इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, चार्ज रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाय आर. एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का एक सवाल है 19, 20, 21, पता नहीं कौन सा है, मेरे को याद नहीं है. तो सवाल क्या कहता है? वो डायरेक्ट इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड के ऊपर है और सीधा फॉर्मूला लग रहा है उस पर, हाँ है ना. तो 2k ये हो गया k 2 q by l क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय आर. भाई क्या बचा? आर. 2k लैम्डा बाय आर. एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? KQ by R square. एक इनफिनिट लॉन्ग रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 2K lambda by R. अगर मैं इसमें तो कोई एक और बात बताऊं, ग्राफ ऑफ E versus R ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड E और versus R का क्या ग्राफ हो जाएगा? इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड, हाँ वही. E is equal to क्या है? 2k lambda by r. तो यहां से E क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, वो E के r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये क्या है? r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही जाएगा, ये r और यहां पे क्या आ गया? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्राफ भी ऐसे ही जाता है, हाँ है ना. वो r स्क्वायर था, ये r है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है ना, हाँ ना. तो बेटा ये था इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λr, आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन बोल देगा करने के लिए. कुछ नहीं करा हमने, एरिया वेक्टर निकाले, तीन एरिया वेक्टर को, फिर उसका सम किया तीनों का, हाँ ना, ठीक है. तो ये नोट कर लो भाई. ओके, तो गाइस अपने पास तीसरी एप्लीकेशन है, मैं फिर कह रहा हूं ये तीनों ना एप्लीकेशन जो है डेरिवेशन की फॉर्म में, और ये तीनों के तीनों एग्जाम में आते हैं, इनका ग्राफ एग्जाम में आता है, हाँ ना, बहुत ध्यान समझने का. तीसरा लास्ट हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट. तुम नोटिस कर रहे हो ना, तीनों में कुछ नहीं करना, एक गॉस लॉ हमें पता है ना, गॉस लॉ और एक हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला पता ही है, दोनों को कंपेयर करना है, फॉर्मूला लगाना है बस, बेंच की टांग, हाँ ना यार, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट क्या होगा? देखो अपने पास एक चार्ज शीट है, अपने पास क्या है? एक चार्ज शीट है. देखो अपने पास एक चार्ज शीट,
और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है ना, एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट अपने पास, इसमें चार्ज बचा हुआ है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड है। अब सीन क्या है, इस पर चार्ज बिछा हुआ है क्योंकि, तो हमें इसके वजह से किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ऑन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक बिंदु पे निकालनी है, तो हम क्या करते हैं ना, एक सिलेंडर इसके अंदर से, देखो जैसे कि मान लो ना, क्या है ना, मेरे पास ये है एक मेरे पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, ठीक है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है मेरे पास, ये रही इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है ना, आपकी प्यारी केमिस्ट्री पार्ट 1 12। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, इसकी वजह से मेरे को क्या करना है, किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैंने क्या करा, इसके अंदर जिस बिंदु में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, मैंने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया जो कि था सिलेंड्रिकल। कैसा था? सिलेंड्रिकल। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया सिलेंड्रिकल। देखो ध्यान से देखो, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने क्या किया, इमेजिन किया। हाय हाय राम, ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने इसके आर पर इमेजिन किया है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया ऐसे। इस सिलेंड्रिकल की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, बाहर की तरफ। अगर ये हमारे पास एक वो है ना, अरे अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, तो इस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होगी, इधर को भी निकल रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी इधर को, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर को भी यही होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है। अब अगर मैं बात करूं एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर कितने बनेंगे, एरिया वेक्टर अगेन बेटा दो बनेंगे, दो कौन कौन से एरिया वेक्टर, एक एरिया वेक्टर क्या होगा कि भैया सरफेस के, अगर मैंने ये सिलेंडर माना है तो सिलेंडर के सरफेस से अलोंग जाएगा, नीचे की तरफ हाँ है ना, और एक एरिया वेक्टर इधर को, एक इसकी वजह से इधर को, तो एक एरिया वेक्टर आया इधर, मान लो मैंने कह दिया DA1, एक इधर हो गया, मान लो मैंने कह दिया DA2, जो मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं उसी का दूसरा एरिया वेक्टर ना है, उसका एरिया वेक्टर ना बेटा, और एक एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा DA3, हाँ है ना। अब इसके वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहली बात कंसीडर इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, इसमें टोटल चार्ज है क्यू, और इसका याद है शीट के लिए हम क्या लेते थे, रॉड के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, शीट के लिए एरियल चार्ज डेंसिटी, है ना, क्यू इसका चार्ज है और इसका एरियल चार्ज डेंसिटी है ए, कंसीडर अ इनफाइनाइट
एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट हैविंग हैविंग क्या एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी बी कितना है ए, एरियल चार्ज डेंसिटी कितनी है ए, एंड इमेजिन अ गॉशियन सरफेस, एंड इमेजिन अ गॉशियन सरफेस, अ गॉशियन सरफेस अस इमेजिनिंग अ सिलिंड्रिकल गॉशियन सरफेस यार, इमेजिनिंग अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब सबसे पहली बात, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ की वजह से क्या होगा, हम जानते हैं E फ्लक्स इज इक्वल टू में क्या होता है, फाई नेट इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिल नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिल नॉट, क्यों इनसाइड अपॉन में एप्सिल नॉट, ठीक है, एक हमने ये मान लिया, ठीक है ना, क्यों इनसाइड अपॉन में एप्सिल नॉट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो हो गया वन, सेकेंड वी नो दैट क्या होता है, फाई नेट इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, फाई नेट इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, अब क्या हो जाएगा, फाई नेट से मैं सेकेंड मान रहा हूं, तो हमारे पास फ्रॉम वन एंड टू क्या आ जाएगा, फ्रॉम वन एंड टू क्या आ जाएगा, दोनों कंपेयर करूंगा, मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू में क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना। अब वही चीज तुम्हें पता है क्या करना है, यहाँ पे तीन तीन एरिया वेक्टर है, एक एरिया वेक्टर ये रहा, एक एरिया वेक्टर ये रहा, एक एरिया वेक्टर, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर अब मैं छोड़ भी दूं तब भी तुम खुद कर लोगे, कर लोगे ना, अरे वीडियो ऑन है, हाँ कर लोगे ना, अबे हाँ हाँ कर लोगे, भरोसा रखो अपने ऊपर, बे तुम तो कतई गवार समझ लो अपने आपको, बे देखो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वन प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए टू प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए थ्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में, क्यू इनसाइड क्यू है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बराबर है, अपॉन में क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सबको दिख रहा है यहां पे E और A के बीच में जो थीटा है वो कितना है, थीटा वन कितना है, जीरो डिग्री, E और A के बीच में जो थीटा वन है वो कितना है, जीरो डिग्री, बोल देना जीरो डिग्री। अब इसके बीच में एंगल कितना है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर को, तो इसके बीच में थीटा थ्री कितना हो जाएगा, थीटा थ्री विल बी 90 डिग्री, अरे थीटा थ्री कितना होगा 90 डिग्री, और थीटा टू की अगर मैं बात करूं, और थीटा टू की अगर मैं बात करूं, थीटा टू कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, एरिया वेक्टर भी इधर को, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को कैसे आई, रैप्टा मारूंगा कान के नीचे, इतनी देर से बकैती कर रहा हूं मैं, थर्ड मारूंगा, प्लेन शीट ये है, इस पे चार्ज है, ये रही प्लेन शीट, इस प्लेन शीट पे चार्ज है प्लस 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 प्लस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी यार, है ना, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी तो जाएगी और एरिया वेक्टर भी हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो है ये डी ए वन वाला, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस एरिया जो टू है वो टू वाला भी क्या है, जीरो डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 डिग्री, एरिया थ्री वाला क्या है, थ्री वाला थीटा थ्री क्या है 90 डिग्री, बराबर है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला टर्म वन होएगा, ये वाला भी वन होएगा, सिर्फ ये वाला जीरो होएगा इस बार में, समझे ए बबुआ, समझे, इसमें ये भी वन, ये भी वन, ये जीरो, तो यहां पे क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए, और ये क्या हो जाएगा, अरे ये एरिया सेम आएगा ना, डी ए थ्री आना था वैसे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो सेम ही आएगा, इसलिए मैंने डी ए कर दिया दोनों को, अरे डी ए कर दिया, ये एरिया अलग है क्योंकि वो सरफेस का है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस जीरो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम होएगा क्योंकि ये इधर साइड का, ये इधर साइड का, तो एड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो टू ई इंटीग्रेशन डी ए,
अरे ई इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, टू ई डी ए हो गया यार, इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। और अभी अभी तूने बोला है, क्या बोला है तूने, अरे बोलना क्या बोला तूने, हाँ या ना, तो अभी अभी तूने बोला है कि भैया यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ई, यहां पे क्या हो जाएगा डी ए, इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यार क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर है, हाँ ना, मैं पहले इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान चुका हूं ए, तो यहां से क्या होगा इंटीग्रेशन बाहर आएगा ए, तो क्या हो जाएगा टू ई, टू ई और यहां पे क्या जाएगा इन टू में ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर है, हाँ है ना, अरे इनका सरफेस चार्ज एरिया क्या आ गया ए, अब ये क्या हो जाएगा, ये ई बाहर आएगा यहां से, ई इज इक्वल टू क्या जाएगा क्यू अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट इन टू में ए, टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ए। अब क्यू बाय ए क्या होता है, समय पता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आ जाएगा वैसे यहां पे, ये बात हम जानते हैं क्या कि एरिया वो क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो क्या आ जाएगा ये क्यू अपॉन में ए, तो क्या मैं इस क्यू अपॉन ए को सिग्मा लिख सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन बराबर है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की वजह से। अब लास्ट चीज इसमें ग्राफ की बात अगर मैं करूं, ग्राफ ग्राफ ड्यू टू ग्राफ ऑफ ई वर्सेज आर ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, चार्ज्ड शीट, तो चार्ज शीट की वजह से इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का बीच में ग्राफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट बराबर है। बेटा ये आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, यानी आर को बढ़ाओ घटाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी सेम, यानी कि अगर मैं अब मेरी बात को फील करियो इस बात को, क्या यहां पे कोई आर आ रहा है, नहीं आ रहा है आर, आर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तू अगर ये इनफाइनाइट मान ली रही इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है बोर्ड, अगर मैं इतना आर लू यानी इतने आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू सेम आएगी, इतने पे निकालू सेम आएगी, इतने पे निकालू सेम आएगी, बहुत ज्यादा की भी मैं बात नहीं कर रहा पर करीबन करीबन एक सीमित दर तक क्या आएगी, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इसके लिए इतना और इतना कोई अंतर नहीं है, हाँ या ना, यानी ई इज इंडिपेंडेंट ऑन आर फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, दिया जाएगा ई और यहाँ पे आर, यानी कि आर को जितना भी बढ़ा लो इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाने वाली है कांस्टेंट बराबर है, समझ में आई बात कि आर को जितना मर्जी बढ़ा लो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट। हम लोगों ने तीन डेरिवेशन करी, सबसे पहला हमने पॉइंट चार्ज की वजह से करा कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेकंड हमने क्या किया एक इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड की वजह से, और थर्ड हमने करी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट की वजह से, बराबर है ना, तीनों को देखो एक बार नोट करो फटाफट से, उम्मीद कर रहा हूं तीनों समझ में आ गई होंगी, नोट करो फटाफट। तो बेटे अपने पास एक सवाल है, अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, आंसर कह रहा है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना गिवन दे रखा है, हमारे को गिवन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E इज इक्वल टू में 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कह रहा है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी आर दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर, बोले तो 2×10⁻²⁪ मीटर, है ना, एनसीईआरटी का 23वां सवाल है ये, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमें निकालना है लैम्डा, क्या निकालना है लैम्डा, ठीक है ना, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं तुमसे निकल गया होगा भाई, इनफाइनाइट लाइन, लाइन बोले तो लॉन्ग रॉड, लॉन्ग रॉड, लॉन्ग रॉड, हाँ है ना, शाबाश, क्या शाबाश, तो कैसे करेगा, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लाइन चार्ज
इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होती है, ई इज इक्वल टू में 2k λ/r, ये फॉर्मूला सबको पता है 2k λ/r, तो यहां से लेमडा क्या आ जाएगा, लेमडा विल बी ई आर अपॉन 2k, और लेमडा क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 9 × 10⁴ इंटू में आर कितना है 2 × 10⁻², डिवाइड बाय 2, और ये कितना है के 9 × 10⁹ होता है, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 9 × 10⁴ लेमडा, तो लेमडा इधर क्या हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू में 10⁻², इंटू में 10⁻⁹ ऊपर आगे क्या हो जाएगा, प्लस नो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, माइनस नो, 10⁻⁹, तो कितना आ गया लेमडा इज इक्वल टू में 4 × 2 = 6 है, ये बहुत कम नहीं आई, तो प्लस का है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, हाँ है ना, 10⁴ × 2 = 9, 10 = 11, और यार ये कम नहीं आ रहा ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 9 × 10⁴, ये 4 नहीं होगा, ये सवाल सही लिखा है मैंने, 10⁴ ई आ गया हमारे पास 9 × 10⁴ और 2 × 10⁻², और ये हो गया 2, और यहाँ पे आ गया के की वैल्यू कितनी आ गई 9 × 10⁹, 9 से 9 कैंसिल, 10⁴ 10⁴ −2 10⁻⁹, ये 10⁴ है कि −4 है, एक सेकंड में सवाल देखूं, 10⁴ है कि −4 है, 10⁴ है कि −4 है, 4 ही है बेटा, 4 ही है, ठीक है ना, 4 ही है, 4 ही है, तो कितना हो जाएगा 4 और 9, और ये −2 कितना हो जाएगा −11, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁴ −2 −9, तो लैम्डा आ जाएगा 9 और 2 = 11, 11 में से 4 गए 7, 10⁻⁷ क्या इसका लैम्डा की, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में एरिया, सॉरी लेंथ, क्यू अपॉन में लेंथ, तो क्यू क्या होता है चार्ज कोलम, और लेंथ क्या होती है मीटर, तो कोलम पर मीटर है ना, तो लैम्डा क्या आ गया कोलम पर मीटर, कोलम पर मीटर बराबर है ना, है ना, ऑन था ये वीडियो वगैरह, ठीक है भाई बराबर है, ठीक है, तो ये 2 रुपए का सवाल था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना, एक उसके ऊपर भी देख लेते हैं, ठीक है फटाफट नोट कर लो इसको, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, ठीक है बेटे, तो अपने पास एक और सवाल है एनसीईआरटी का, 18वां सवाल है बैक एक्सरसाइज का, क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से मेरी बात को सुनना, वैसे पता है अगर तुम्हें सवाल का ज्यादा थोड़ा फील लेना तो एनसीईआरटी की बुक खोल लो यार, प्लीज खोल लो, प्लीज खोल लो, तुम देखोगे ना सवाल बहुत आसान है, सवाल लगाओ 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगाओ, उनको बहुत आसान है, ये इससे पहले के सवाल लगाओ बहुत आसान है, आपने सारा पढ़ लिया है लगभग, लगभग हर सवाल आपसे बनेगा बेटा, देख ये फिजिक्स है यार, इसमें जब तक तू सवाल नहीं लगाएगा ना तो फिर कैसे चलेगा यार, बता यार, है ना, 11वीं तूने बर्बाद कर दी, कर दी, नहीं नहीं पढ़ाया मैंने, हाँ ठीक है पढ़ाया तो अच्छी बात है यार, है ना, सवाल लगा देख इसको, देख इसको खुद करने की कोशिश कर एक बार, 5 मिनट इस पर दिमाग लगा, हो जाएगा, आसान सवाल है, देख आंसर कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज 10 μC इज एट अ डिस्टेंस 5 cm डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, क्या रहा है हमारे पास एक स्क्वायर है, अगर एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे एक वो बना रखा है, क्यूब भी बना रखा है यहाँ पे, है ना, देखो 10 cm इस पे एक क्यूब बना रखा है एनसीईआरटी, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो फिलहाल ये है, ये है, इसके सेंटर से 5 cm ऊपर, 5 cm ऊपर, और ये स्क्वायर है तो यहां पे भी कितना होगा, यहां पे भी कितना होगा 10 cm, और ये भी कितना है 10 cm, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके सेंटर से, ये तो ये है, अगर इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखो एनसीईआरटी ने क्या बना रखा है, ऑन कर रखा है भाई मैंने इसको, डायग्राम को अगर तुम ध्यान से देखो एनसीईआरटी ने बना रखा है, अरे बेवकूफ दिमाग लाएगा, 2 रुपए का सवाल नहीं है यार, यार ये इसका बेस भी 10 cm और ये भी कितना है 10 cm, और इसके सेंटर में जो कि यहां बेस से कितना ऊपर है 5 cm,
एक क्यू चार्ज रखा हुआ है प्लस का, हाँ है ना, ऐसे है ये डायग्राम ऐसे है, ये नीचे एक स्क्वायर दिखा रखा है इसका। कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, कह रहा है स्क्वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, स्क्वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब देखो, अब स्क्वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, हालांकि फ्लक्स का सवाल है, स्क्वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना कैसे होगा, स्क्वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो वी नो दैट, आसान है बहुत, वी नो दैट, वी नो दैट क्यू की वैल्यू दे रखी है, गिवन है, क्यू इज इक्वल्स टू में, क्यू इज इक्वल्स टू में क्या क्या दे रखा है, 10 माइक्रो कूलम प्लस का 10 माइक्रो कूलम दे रखा है, ठीक है, क्यू इतना दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूं तो कितना दे रखा है, 10 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है, माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेपरेशन हो गया यहां से, यहां आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बोले तो 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बोले तो 10 की इंटू में 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो एक स्क्वायर की वजह से, एक स्क्वायर, देख ये हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब है, क्यूब क्या होता है, चकोर होगा, क्यूब मान ले जैसे कि ये है, मान ले जैसे कि मेरे पास ये है, एक क्यूब है, और कुछ पड़ा है इस कमरे में, कुछ नहीं पड़ा साला इस कमरे में, क्या पड़ा होगा इस कमरे में, ये क्यूब है ना, तो इस क्यूब के अंदर एक स्क्वायर ये भी है, एक स्क्वायर ये भी है, एक स्क्वायर ये भी है, एक ये भी है, और एक ये भी है, और एक उसके ऊपर भी है, तो ये स्क्वायर है प्रॉपर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है वो इस वजह से निकालना है, देख वो हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये स्क्वायर था, पर मैंने कहा कि इस स्क्वायर को रुक जा, इसका एक साइड ये रहा, इस स्क्वायर का एक साइड मान ले ये रहा, इस स्क्वायर का एक साइड मान ले ये रहा, अब इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रो कूलम का, उसके वजह से इस स्क्वायर पे फ्लक्स निकालना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, इस स्क्वायर पे फ्लक्स निकालना है, देख मेरी बात को समझ, मेरी बात को समझ, इसके वजह से टोटल जो क्यूब है उस पर फ्लक्स क्या आएगा, इसके वजह से टोटल क्यूब पे फ्लक्स क्या आएगा, देख क्या मैं ये बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या मैं ये बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहां पे लिख दूं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर टोटल चार्ज रखा हुआ है क्यू, अंदर टोटल चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, और ये नेट फ्लक्स किसकी वजह से आया है, इस पूरे गॉसियन सरफेस, मैंने क्या बोला, थप्पड़ मारूंगा, गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है, एक प्रॉपर क्लोज सरफेस के लिए, तो ये क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए फ्लक्स नेट कितना आ जाएगा, तो फाई नेट इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड इज क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये नेट फ्लक्स आया पूरे क्यूब के वजह से, पर मुझे निकालना है एक साइड की वजह से, फ्लक्स जो नेट आया है, नेट फ्लक्स का मतलब क्या है, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यूब में कितनी साइड होती है, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी अंदर, नेट फ्लक्स थ्रू 6 साइड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर हमें तो सिर्फ एक स्क्वायर के, एक साइड ना बोल के एक स्क्वायर बोल दूं, 6 स्क्वायर की वजह से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, 6 डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स थ्रू 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, तो 5 ड्यू टू 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो ये था उस सवाल का आंसर, और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू कितना है, क्यू दे रखा है 4 माइक्रो कूलम, 10 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, 6 इंटू में एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बराबर है, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इससे अगला जो सवाल है 19वां, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है यार, ई मैं पहले वो लिख रहा था पर मैंने कराया नहीं, फिर वो ई इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना उसके अंदर बराबर है, नहीं नहीं ये नहीं लगाना, उसमें फ्लक्स का फॉर्मूला है, फ्लक्स का सवाल है, जो भी है देख लेना बराबर, इसको सॉल्व करो, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेहनत कर, अभी स्टार्ट हुआ है, सेशन स्टार्ट हुआ है, हाँ है ना, क्योंकि प्रॉपर मैंने बोल भी रखा है 5 बजे तक मैं वीडियो डाल दूंगा, है ना, देख अपना रेगुलर क्लास फिक्स कर अपना 5 बजे की, 5 बजे बैठना है, 5 बजे बैठना है, रोज केमिस्ट्री MWF, आज क्या है, एक तो मेरे समझ में नहीं आता आज क्या है यार, आज क्या है, कल क्या था, आज क्या है, बुधवार है, आज वीरवार है, आज
तो मास्टर कहना चाह रहा है टीटीएस में क्या हो जाएगा, फिजिक्स लगेगी, एमडब्ल्यू में क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, 5 बजे बराबर ना, बैठ अपना, न्यूमेरिकल्स लगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, ठीक है ना, ओके, नोट कर, टाइम बर्बाद मत कर, ठीक है ना, ओके बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, ठीक है, बाय।